मैं मणिशंकर अय्यर से पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कांग्रेस के लीडर से पूछना चाहती हूँ आपको। मैं किसी जाति मजहब के विरोधी नहीं हूँ। यहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन इस देश में आकर के मंदिर किसने तोड़ा? इस देश के हिंदुओं के जनेऊ किसने काटा? इस देश के हिंदुओं के महिलाओं की इज्जत किसने लूटने का प्रयास किया? मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को कहते हुए। 1200 साल देश गुलाम रहा है। हिंदू कभी किसी के मस्जिद तोड़ने में विश्वास नहीं करता, किसी पर आक्रमण करने की विश्वास नहीं रखता। हिंदू तो वो है, जियो और जीने दो। हम कभी किसी का अधिकार नहीं छीनते। क्या हम अपने अधिकार की लड़ाई भी नहीं कर सकते, उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते? उनका तो ये कहना है कि उन्होंने कभी किसी के धर्म परिवर्तन नहीं कराया, ना किसी से बलात्कार किया। आज उठा करके इतिहास कोई देखेगा, धर्म परिवर्तन जितना हिंदू समाज का किया गया है और किसी ने नहीं किया है। मुगल काल में हुआ है। उदाहरण है हमारे पास का, ललौली, दसौली, गंगौली, ये पूरा हिंदू समाज था, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। अब बहन बेटियों के साथ अत्याचार, ये पर्दा प्रथा तभी से आई। हमारे समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। यदि मैं इतिहास उठा करके देखूं, गार्गी भरी सभा में जा करके बोलती पर्दा प्रथा नहीं थी। मैत्री पति से शास्त्रार्थ करती है, पर्दा प्रथा नहीं थी। आज गुरुआचार्य शंकराचार्य मंडल मिश्र के बीच में मध्यस्थता करती है मंडल मिश्र की पत्नी। जब हमारा देश गुलाम नहीं था, तब यहाँ हमारी बहनें, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भक्ति का क्षेत्र हो, सब जगह अग्रणी रहती थी। जब हमारे देश में लोग आए, बहु बेटियों की इज्जत लूटने लगे, तब ये पर्दा प्रथा शुरू हुई। इस तरह के बयानबाजी क्यों टीवी लोग दे रहे हैं? इस तरह के बयानबाजी देने का उत्तर प्रदेश चुनाव दिखाई पड़ा। सिर्फ मैं इतना समझती हूँ, उनकी पीड़ा समझती हूँ कि अब उनको लगने लगा कि मंदिर का समाधान हो गया, 370 धारा खत्म हो गई, अन्नपूर्णा आज़ादी के पहले 100 साल के पहले आज वो भव्य मंदिर भव्यता से स्थापित हो रही बनारस में, तो इनको लग रहा है कि अब क्या करें। तो मैं तो एक कहावत कहा करती हूँ, दुविधा में दोनों गई माया मिले ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।